हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आपके सामने आज लेकर आया हूं पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन मॉडल सेट नंबर 1 का। और मॉडल सेट नंबर 1 में आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा कि भारी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, तीन कैटेगरी में आप लोगों को डिवाइड किया गया है जैक बोर्ड के मॉडल पेपर में। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं भारी शॉर्ट क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन। और एक मैं एक सेपरेट से वीडियो लेकर आने वाला हूं जहां पे आप लोगों का सारा क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन होगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों के मॉडल पेपर से रिलेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दीजिए सारा का सारा मॉडल पेपर का, एक बार कमेंट सेक्शन खुला हुआ है दबा करके कमेंट करना भूलिए। साथ ही साथ क्लास को देखकर, सिर्फ क्वेश्चन को देखकर, आंसर को देखकर अपने कॉपी पे लिखना स्टार्ट मत कीजिएगा। समझना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा, समझना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। समझ कर जब आप लिखेंगे ना तो लिखने का मजा कुछ और ही होगा। बस आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या करना है, समझ कर लिखना है या रट्टा लगा कर लिखना है। अभी तो एक मॉडल पेपर है, आपका 5-5 मॉडल पेपर अभी जारी होने वाले हैं, कितना क्वेश्चन रट्टा लगाएंगे, इसलिए समझना बहुत जरूरी है। चलिए मेरे प्यारे, क्लास को आगाज करते हैं। क्लास अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। मैं आपसे छोटा सा विनती करता हूं, आप लोग शेयर नहीं कर रहे, बस आप लोग के मैं छोटा सा विनम्र करके विनती करता हूं कि आप लोग अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को जरूर शेयर करिए, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो पूरा आ जाए। मेरा मकसद है कि झारखंड के एक ऐसे ऐसे व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ाएं जो पढ़ाना नहीं चाहते थे, और उसके लिए आपका छोटा भाई हमेशा खड़ा रहेगा। आप लोग चाहते हैं ना कि हमारा झारखंड एक न्यू एजुकेशन सिस्टम में एक न्यू ढांचा लाएं, न्यू स्ट्रक्चर लाएं, तो लाने का स्टार्ट मैं कर रहा हूं। बस आप लोग पूरे झारखंड के कोने कोने तक फैला दीजिए ताकि हमारा झारखंड एक विकास की ओर जाए। और विकास तभी हमारे झारखंड हो सकती है जब हमारे राज्य के एजुकेशन सिस्टम बेटर हो। चाहते होंगे ना, फैला दीजिए मेरे लाल। चलिए सर, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सर पहला क्वेश्चन हम लोग आता है सर, पहला कि सिद्ध युद्ध से आप क्या समझते होंगे। एक बात मैं बता दूं, आप बताइए कि आप लोग पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस अच्छी तरह से आप लोगों को पता है, यस या नो? सिलेबस आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, और आप लोगों को यह भी पता है कि पहला टॉपिक आप लोगों को पढ़ने का नहीं था, मुझे पढ़ने का नहीं था, याद रखिएगा ना, समझेगा। लेकिन पहला टॉपिक से ही एक क्वेश्चन है, सिद्ध युद्ध से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज कोल्ड वॉर, डिफाइन द कोल्ड वॉर। अब तो नहीं देना चाहिए ना सर, सिलेबस से तो बाहर है, लेकिन सिलेबस में ये क्वेश्चन तो है नहीं, लेकिन जैक बोर्ड ने मॉडल पेपर में सिलेबस के बाद भी ये क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया है। समझ सकते हैं आप लोग तैयारी किस तरह से करना होगा। और फाइनली आप लोगों का मॉडल पेपर में काफी पैटर्न में काफी बदलाव हुआ है जो भी स्टूडेंट्स पॉलिटिकल साइंस लिए होंगे खास करके, ठीक है। खैर, क्वेश्चन आया तो बताना तो पड़ेगा ना, बस याद रखिएगा व्हाट इज कोल्ड वॉर, अंडरस्टैंड बाय द कोल्ड वॉर, मतलब समझना होगा कोल्ड वॉर कब से हुई। तो याद है कि कोल्ड वॉर 1945 से शुरू हुआ था, ये भी आपको याद रखना। चलिए सर, आते हैं हम लोग डिफाइन पे। प्रत्येक क्वेश्चन दो दो मार्क्स का हो, कितने मार्क्स का, दो मार्क्स का हो तो कम से कम 30 शब्द में आपको उत्तर लिखना होगा। समझते हैं, जब दो देशों के बीच एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, दो देशों के बीच, मैं एक छोटा सा सिंपल बता रहा हूं, मेरा भाषा को पहले समझ जाइए फिर मैं आपको क्वेश्चन को लेकर चलूंगा। दो देशों के बीच एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि लड़ाई तो करना चाहते हैं पर लड़ाई करते नहीं, मतलब दोनों देश, ये अमेरिका और मान लेते हैं रूस, दोनों देश सामने आ जाते हैं लड़ाई करने के लिए पर लड़ाई करते नहीं, फिर दूर आ जाते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्थिति युद्ध। याद रखिएगा, समझिए, जब दो देशों के बीच ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, हो जाए, ऐसा लगने लगा कि युद्ध होने वाला है, ऐसा लगने लगा कि अब युद्ध होने वाला है, लेकिन युद्ध हुआ नहीं, समझिए, वास्तव में होता नहीं है, वातावरण तनावपूर्ण होता है परंतु युद्ध नहीं होता, ऐसे ही स्थिति युद्ध कहते हैं। जब दो देशों के बीच ऐसा स्थिति उत्पन्न हो, जब युद्ध करने की स्थिति आ जाती है पर युद्ध होती नहीं है, इसी स्टेज को हम लोग स्थिति युद्ध, कोल्ड वॉर के नाम से जाते हैं। क्या आज के बाद अगर आपसे कोई पूछेगी कि आप लोग आंसर दे पाएंगे या नहीं, राइट, कोई दिक्कत नहीं ना, दो मार्क्स अपने फाइनल रिजल्ट में काउंट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है सर, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। आपका पूछा गया है कि भारत का, क्या पूछा गया मेरे लाल, भारत का प्रथम, याद रखना है, क्या पूछा गया, प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, ये आपसे पूछे गए, तो आपको परीक्षा में तो लिखना होगा, और इसी तरह से लिखना होगा कि भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त, याद रखिएगा, सुकुमार, क्या लिखना है मेरे लाल, सुकुमार सेन, क्या लिखना है, सुकुमार सेन, भारत का
प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, इसकी नियुक्ति हुआ था 1950 में और खत्म कब हुई थी इसकी कार्यकाल 1958 में। ठीक है, ये सब आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, 50 और 58 नहीं लिखना है, मैं सिर्फ बता रहा हूं, नॉलेज होना चाहिए ना। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन, राइट, लिख लेंगे अपने कॉपी पे, अभी नोट डाउन कीजिए मेरे सामने। बहुत मेहनत करने के बाद ये सब सेशन में लेकर आ पाता हूँ, इतना आसान नहीं है, हम लोग जितना आसान सोचते होंगे ना इतना आसान नहीं है मेरे लाल, बहुत मेहनत करने के बाद ये सेशन में आपके सामने लेकर आऊँ। क्लास देखने के बाद दिल से अगर अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। यूएनओ, सबसे पहले मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूं, यूएनओ कौन है, यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका। इसका अगर आपसे पूछा जाए मुख्यालय, याद रखिएगा मुख्यालय, अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्यालय कहाँ है तो याद रखिएगा न्यू यॉर्क में है। अगर आपसे पूछा जाएगा आज का स्थापना, आस्था आपसे पूछा जाएगा स्थापना, अगर आपसे पूछा जाए सर इसकी स्थापना कभी थी तो बताएंगे सर 24 अक्टूबर 1945। अगर आपसे पूछा जाए इसके अंग कितने हैं, क्या है इसके अंग कितने हैं, 6 अंग है, क्या है मेरे लाल, 6 अंग है सर, और 6 अंग में एक अंग है सुरक्षा परिषद, क्या है, एक अंग है हम लोग का सुरक्षा परिषद, याद रखिएगा परिषद। आपसे पूछे गए हैं सुरक्षा परिषद से क्वेश्चन, क्या पूछा गया सर, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थाई और कितने गैर अस्थाई है। देखिए सुरक्षा परिषद को हम लोग दो डिवाइड में बांटते हैं, एक होता है सर हम लोग का अस्थाई, क्या होता है मेरे लाडला, अस्थाई, और एक होता है हम लोग का अस्थाई, क्या होता है सर, एक होता है हम लोग का अस्थाई और एक होता है हम लोगों सर अस्थाई। अब आपसे यहां पे पूछे गए हैं कि अस्थाई और गैर अस्थाई सदस्यों का से कितनी संख्या है, तो देखिए अगर अस्थाई की बात करें तो 5 सर 5, अस्थाई की बात करें सर तो अस्थाई की संख्या हो जाएगी सर 10, बस आंसर हो गया। डाउट नहीं ना मेरे प्यारे, क्लास अच्छा लग रहा है ना, लाइक कीजिए। ठीक है, देखिए ये सब आपको नहीं लिखना है, ये सब मैं बता रहा हूँ आपके नॉलेज के लिए, अगर आपके एग्जाम में पेपर में ऐसा पूछा जाए कि योनि की स्थापना कब हुई थी तो याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945, इसके कितने अंग है 6, इसका मुख्यालय कहाँ है न्यूयॉर्क में है, ये सब आपको करना है। लेकिन आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य है, अस्थाई तो 5 और अस्थाई कितना 10। सर कभी कभी ना पूछा जाता है अस्थाई सदस्य संख्या जो 5 है इसमें कौन कौन है, तो बताएंगे सर ए बी सी ट्रिक, याद रखिएगा ABCFR, क्या ट्रिक लिखेंगे सर FR, याद रखना FR यहां पे लिख देते हैं ABC, याद रखना ट्रिक, एकदम भूलना नहीं है, रट के रखिए, 5 अस्थाई सदस्य देशों के नाम पूछे ना एक बार, याद रखना ABCFR F4R, फायर करेंगे FR, ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना, एफ से फ्रांस, आर से रूस, इन्हीं 5 देशों के पास एक पावर है जिसे हम लोग बोलते हैं सर वीटो पावर, क्या बोलते हैं सर वीटो पावर, लाउडली समझ पा रहा ना, दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई मेरे भाई, बस दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, बस मैं आप लोगों का हमेशा साथ खड़ा हूं, बस आप लोग टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, और हाँ एक बात मैं बताना भूल गया, अगर आप आर्ट्स में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं अभी भी आपके पास 30 दिन समय है, जनवरी महीना पूरा आपके पास है, अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके क्रैश कोर्स को ज्वाइन कराना भूलिए, ओनली फॉर 299 रुपीज में आप एक महीना में अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं हमारे क्रैश कोर्स के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए सर यहाँ पे आपको याद रखना अस्थायी सदस्यों की संख्या ABCFR, याद रखना है क्या हो जाएगी सर अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस, डाउट। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन है कि यूएनओ का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब आते हैं सर यूनाइटेड नेशन जो हम लोगों का है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये क्यों बनाया गया और इसमें सदस्य देशों की संख्या कितना है 193 है, याद रखना कितने सदस्य देशों की संख्या है 193, और 1945 में जब इसकी गठन हुई थी उसी समय भारत भी इसका सदस्य देश में शामिल हुए थे, इसको भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए और अगर लास्ट देश पूछा जाए कि लास्ट देश जो 193वां देश जो लास्ट देश शामिल हुआ है वो कौन है, तो बताएंगे सर दक्षिण सूडान, इसे नॉलेज रखिएगा आगे चल के काम देगा। ठीक है, अब सर यूएनओ का मुख्य उद्देश्य क्या है, पहला विश्व में शांति एवं सुरक्षा की स्थापना, विश्व में शांति एवं सुरक्षा की स्थापना, विभिन्न राष्ट्रों के बीच संबंध एवं सहयोग की वृद्धि करना, पॉइंट 3 अंतरराष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना, यानी 193 देश में
मान लेते हैं कोई ऐसा एक देश है जो दूसरे देश पर हमला करते हैं, तो सभी देश मान लेते 191 देश और बचेगी। जब दो देश आपस में लड़ाई करेगी तो 191 देश बचेगी, तो 191 देश मिलकर उन दोनों देश को सुलझाएंगे, समझाएंगे, बुझाएंगे, ठीक है। पॉइंट नेक्स्ट, पूरे दुनिया की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आदि मानवीय समस्याओं के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करेंगे। और कोई भी देश विकास करना चाहते हैं पर उनके पास उतना अमाउंट नहीं है, तो यूएनओ के जो सचिव होंगे वो उनको प्रोवाइड करेंगे, सभी देशों से कुछ कुछ पैसा लेकर उनको प्रोवाइड करेंगे, वो उस देश को और उस देश को ऊपर उठाएंगे। डाउट नहीं ना? चलिए अगला क्वेश्चन आता है सर। अगला क्वेश्चन हमारे पेपर में आ गया सर। अगला क्वेश्चन, सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था किसके विचार पर आधारित है? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, मुझे पूरा याद है कि एक बार ऑब्जेक्टिव में पूछे गए हैं लेकिन इस बार आपसे सब्जेक्टिव में पूछ दिए गए हैं, तो लिखना है सर, याद रखिएगा। क्या लिखना है? सोवियत, याद रखना। क्या लिखना है? सोवियत संघ, सोवियत संघ की राजनीति व्यवस्था, व्यवस्था याद रखना है, मार्क्स, मार्क्सवाद या लेनिन, लेनिनवाद, लेनिनवाद, क्या क्या याद रखना है? मार्क्सवाद या लेनिनवाद विचारधारा पर आधारित है। डाउट, सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था मार्क्सवाद, याद रखना है, मार्क्सवाद या लेनिनवाद विचारधारा पर आधारित है, इतना लिखना है और दो मार्क्स ले लेना है फाइनल एग्जाम में और अपने रिजल्ट में काउंट कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि तिब्बत के कौन पारंपरिक नेता ने 1959 में भारत में शरण ली थी? ये क्वेश्चन झारखंड में, झारखंड बोर्ड में, यानी झारखंड बोर्ड का मतलब होता है जैक बोर्ड में, अभी तक पहली बार पूछी गई थी ये। आज से पहले याद रखिएगा, CBSE ने पूछा गया था, CBSE ने, लेकिन इस बार आप लोगों को कुछ कुछ ऐसा पैटर्न है कि आप लोगों का CBSE का जैक बोर्ड में शामिल कर दिया है, ठीक है। तो देखिए आपसे पूछा गया तिब्बत के कौन पारंपरिक नेता ने 1959 में भारत में शरण ली थी, तो याद रखना, मैं डायरेक्ट नेता के नाम बता दे रहा हूं, वो नेता कौन था, ठीक है, वो नेता था दलाई, दलाई लामा, क्या ना, लामा, याद रखना है। ये कहां के रहने वाले थे? तो चीन के रहने वाले थे, इसको भी आप लोगों को याद रख लेना है। आपको इस तरह से लिखना, तिब्बत के पारंपरिक नेता दलाई लामा भारत में शरण ली थी 1959 में, भारत में शरण ली थी दलाई लामा, याद रख पाएंगे ना, कोई दिक्कत मेरे शेर शेर नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर हम लोग। आसियान में कितने देश सदस्य देश शामिल है? अब आ गए हैं सर हम लोग आसियान, आसियान में कौन कौन से देश शामिल है? आसियान में टोटल 10 देश शामिल है, कितना, 10 देश शामिल है, कितने सदस्य देश है अगर आपसे पूछा जाए तो भारत, याद रखिए आसियान में कितने सदस्य देश है, तो 10 सदस्य देश है। लेकिन कभी कभी ना एग्जाम में नाम पूछा जाता है कि वो देश का नाम क्या है, क्या आपके पास अगर कभी भी आपसे नाम पूछेगी तो क्या आप याद रख पाएंगे या नहीं? ये आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं नाम, तो बताइए सर इसका नाम क्या याद रखेंगे कि जिस कारण से हमें 10 देशों का नाम याद रहे हमेशा, याद रखना है, क्या याद रखना है, ट्रिक, टीवी, थोड़ा सा मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, टीवी, जो हम लोग टीवी देखते हैं, टीवी क्लिप, याद रखना क्लिप, CLIP क्लिप, MBBS क्या याद रखना है, याद रखना है क्या मेरे शेर शेर नहीं हो, ट्रिक कि टीवी क्लिप, याद रखना क्या, टीवी क्लिप MBBS। अब सर 10 देश का नाम आ गया, टीवी 2 और 4, 6, 4, 10। अब 10 देश कौन कौन है थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं सर। पहला देश हम लोगों का हो जाएगा कौन, थाईलैंड, क्या हो जाएगा सर, थाईलैंड, याद रखिएगा। फिर आएगा सर सिंगापुर, याद रखना है, क्या पूछेगा सर, लास्ट में आएगा सर हम लोगों का सिंगापुर। फिर वियतनाम, वी से वियतनाम सर। फिर हमसे लाओस, क्या आएगा सर, एल से लाओस। फिर आएगा सर हम लोगों से आई फॉर इंडिया, याद रखिएगा, आई फॉर इंडोनेशिया। फिर हमसे आएगा सर म्यांमार, एम से आएगा सर म्यांमार। फिलीपींस, याद रखना है क्या, फिलीपींस, तो यहाँ पे आएगा सर फिलीपींस। और आपसे आगे यहाँ पे सर याद रखिएगा बुरनोई, तो याद रखिएगा बी से बुरनोई,
याद रखना क्या बोलना है, जो एस बचा हुआ है ना मेरे लाल, देखिएगा 120 होगा, सी से यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे आप लोगों का नीचे में और एक देश का नाम होगा, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को नौ ही दिख रहा होगा शायद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को दिख रहा होगा ना, देखिए यहाँ पे आपका सी से कंबोडिया होगा, यहाँ पे सी से क्या हो जाएगी कंबोडिया, थोड़ा सा इसको मैं मिसप्रिंट कर दिया हूँ मेरा, सॉरी इसके लिए, कंबोडिया कन बो डी या कंबोडिया, 10 देश का नाम आ गया, क्या टीवी क्लिप एमबीबीएस, टीवी क्लिप एमबीबीएस। और ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं ये नया क्वेश्चन है, क्या कि कौन सा देश है इनमें से, आपसे पूछा जाएगा कौन सा देश है जो आसियान का सदस्य देश नहीं है, तो आपको बताना है वो देश का नाम आपसे पूछी जाएगी, तो याद रखिएगा भारत आसियान का सदस्य देश नहीं है, भारत आसियान का सदस्य देश नहीं है, लिख लीजिए नोट में, भारत आसियान का सदस्य देश में शामिल नहीं है, बस याद रखना है टीवी क्लिप एमबीबीएस, टीवी क्लिप एमबीबीएस, टीवी क्लिप एमबीबीएस, टीवी क्लिप एमबीबीएस, टी से याद रखना, टी से थाईलैंड सिंगापुर वियतनाम लाओस इंडोनेशिया म्यांमार फिलीपींस ब्रुनेई और कंबोडिया, यानी 10 देशों का नाम आपको अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। अब आते हैं सर कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सिंडिकेट शब्द से आप क्या समझते हैं, अब सिंडिकेट क्या है यही तो समझ में नहीं आता है सर, पढ़ पढ़ के मैं थक गया हूँ, सिंडिकेट हम लोगों को समझ में नहीं आता है, ये एक्चुअली देखा जाए ना तो कांग्रेस से रिलेटेड है, किसे कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड है, समझिए मैं थोड़ा एकदम सिंपल सा लैंग्वेज में लेकर आया, और पेपर में भी आप लोगों को सिंडिकेट से रिलेटेड ऐसा ही क्वेश्चन करना है, और मैंने पेड कोर्स जो भी बंदा लिए हैं मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं, सिंडिकेट किसे कहते हैं संक्षिप्त में टिप्पणी लिखे, ये आपके पेपर में 4 मार्क्स का आएगा, पर यहां पे 2 मार्क्स आए तो थोड़ा सा शॉर्ट लिखना है आपको नोट्स। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी के नेता जिनमें कामराज एस के पाटिल निंजिन गप्पा तथा मोरारजी देसाई कौन कौन थे, के कामराज इसका पूरा नाम याद रखिए, के कामराज एस के पाटिल निंजिन गप्पा मोरारजी देसाई, इनमें कुछ को हम इंदिरा गांधी विरोधी भी कहते हैं, इंदिरा गांधी एक्चुअली किसके पार्टी था कांग्रेस के पार्टी था, इंदिरा गांधी के विरोध करने वाले कांग्रेस के विरोध करने वाले को हम सिंडिकेट कहते हैं, आदि के समूह को कांग्रेस सिंडिकेट के नाम से जाना जाता है, यानी कांग्रेस पार्टी के जो खिलाफ थे जब 1969 को जब कांग्रेस पार्टी टूटी थी ना ये सिंडिकेट उसी समय शुरू हुआ था। क्या आज के बाद अगर आपके पेपर में इस तरह से आए और आप लोग इस तरह से लिख पाएंगे या नहीं एक बार हम लोग बताइए, बस याद रखिए कांग्रेस के खिलाफ में होने वाले व्यक्ति को हम लोग याद रखिएगा उस समय अभी नहीं सिंडिकेट कहते थे। देखिए सिंडिकेट फिर से मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी के नेता जिसमें के कामराज एस के पाटिल निलजी गप्पा तथा मोरारजी देसाई अपने ही पार्टी में थे और बाद में पार्टी चेंज करना चाहते थे, इसे दल बदल नहीं कहते, दल बदल वो अलग चीज है, ठीक है, इनमें कुछ को हम इंदिरा गांधी विरोधी भी कहते हैं। तो इस तरह से ना आप याद रखिएगा सारा क्वेश्चन को इजिली से कर सकते हैं, और क्लास यहाँ पे आप लोगों को बेहतरीन तरीके से अगर देखना है तो याद रखिएगा एक बार आप लोग जाइए जल्दी से, और मिसाइल क्लासेस याद रखना क्या, मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से एक बार डाउनलोड कीजिए, और तब आपको पता चलेगा कि क्रैश कोर्स में याद रखिएगा क्रैश कोर्स में आप लोगों का जो फी ओनली फॉर लिए जा रहे हैं 299 रुपीज में, आप लोग देखकर हैरान हो जाएंगे कि हम लोग की तैयारी कहाँ हुई है और हमें कितना करने अभी बाकी है। तो याद रखिएगा 30 दिन में भी आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। कैसे सर, तो एक सब्जेक्ट में आप लोगों को मैं 6 लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ, कितना 6 लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ, हिस्ट्री में 6 लेक्चर, पॉलिटिकल साइंस में 6 लेक्चर, तो मान के चलिए आप लोग का 5 सब्जेक्ट है, तो कितना हो जाएगा 5 सब्जेक्ट मतलब हो जाएगा 30 वीडियो, कितना हो जाएगा 30 वीडियो हो जाएगी। अगर एक दिन में आप 3 वीडियो देखते होंगे तो इस तरह से आपका 10 दिन में आप पूरा क्लास को अच्छी तरह से कर सकते हैं, और अपने कॉपी पे नोट डाउन करके 10 तारीख के बाद यानी 1 जनवरी से पढ़ रहे हैं तो 10 जनवरी तक पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगी, सॉल्यूशन आपको मतलब आप अपनी कॉपी पे लिख लेंगे और 10 जनवरी के बाद एकदम झाड़ के तैयारी करना है, किसी के लिए नहीं आपने लिए पढ़ेंगे, अरे पढ़ाई में मजाक नहीं करेंगे, याद रखिएगा मजाक से पढ़ाई करेंगे लेकिन पढ़ाई में मजाक नहीं करेंगे, सुनने में दोनों शब्द एक जैसा लग रहा है, पढ़ाई में मजाक करेंगे याद रखना है, पर मजाक उन्हें मजाक से पढ़ाई करेंगे पर पढ़ाई में मजाक नहीं करेंगे। तो ये मैं आप लोगों को बताया हूँ आप लोगों का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस में अभी पूछे गए, अगर आप लोग चाहते हैं सर शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन दोनों का जल्दी से सॉल्यूशन लेकर आए तो एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में खुला हुआ कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा को जरूर दबाइएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए मिलते हैं नया वीडियो में।